पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज नवीनबाई और पनवेल के 55 कोरोना योद्धाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। क्रेडाई MCHI द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में सिडको MD संजय मुखर्जी, नवीनबाई पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह और पनवेल के मनपा आयुक्त गणेश देशमुख समेत 8 हस्तियों को नवीनबाई रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि वरिष्ठ बिल्डर मोहन गुरनानी को पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने यहाँ बिल्डर संगठनों के सम्मान समारोह को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि ऐसे पुरस्कार सामाजिक कल्याण और नागरिक सेवाएं देने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। क्रेडाई MCHI ने कोविड वॉरियर्स अवार्ड रखा था, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। जिनको ये सम्मान जिन्होंने पाया है उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इसका आयोजन करने के लिए क्रेडाई MCHI के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, ये जो रियल इस्टेट सेक्टर है इसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। 200-250 छोटी बड़ी इंडस्ट्री ये डिपेंड करती है ये रियल इस्टेट सेक्टर पे, इसलिए बहुत ही एग्रीकल्चर के बाद ये सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको सहूलियत देना, हेल्प करना भी ज़रूरी है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब पिछले बार भी हम लोग ने कई उनको रिलैक्सेशन दिया है, अभी भी उनकी जो डिमांड्स है, कुछ उनके छोटे बड़े प्रॉब्लम्स है, ये नवी मुंबई के हो, सिडको के हो, निश्चित रूप से उसको हल किए जाएंगे। नवीनबाई रत्न समारोह में कुछ एक सामाजिक संस्थाओं को छोड़कर अधिकांश पुरस्कार नवीनबाई और पनवेल महानगर पालिका तथा पुलिस एवं आरोग्य अधिकारियों के नाम रहे। नवीनबाई रत्न पुरस्कार पाने वाले पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह एवं सिडको MD संजय मुखर्जी ने इसे प्रेरणादायी बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि MCHI क्रेडाई और MCHI क्रेडाई की यूथ विंग ने सिडको ने जो काम किया उसको रिकॉग्नाइज किया और हमें नवी मुंबई रत्न इस भूषण से सम्मानित किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संपूर्ण सिडको की जो टीम है उस टीम का एक जॉइंट एफर्ट है और हम सब लोगों ने जो है रात दिन मिलके काम किया है। हमने जैसा आपने जैसे कहा कि 28 दिन में हॉस्पिटल खड़े करके दिखाया, वो थाना हॉस्पिटल सिडको ने बनाया था, उसी प्रकार से हमने नवी मुंबई में हमारा जो एग्जीबिशन सेंटर है उसको दिया था, उसी प्रकार से हमने पनवेल कॉरपोरेशन के एरिया में कलमबोली में हमने कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हैं और साथ में कई प्रकार के छोटे छोटे कोविड सेंटर्स बनाए थे। अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ में हम अकेले बॉडी थे जिन्होंने वैक्सीनेशन का सेंटर शुरू किया। तो कोविड का ये पीरियड जो था उसमें मेरे ख्याल से देश के हर नागरिक ने इसमें सहभागी हुआ है, हर एक ने काम किया है, इसमें सिडको भी सहभागी था और मुझे खुशी है कि MCHI क्रेडाई जो खुद इसमें सहभागी थी इस कोविड एफर्ट में, उन्होंने इसको सम्मानित किया है। सर्वप्रथम मी हा जो कार्यक्रम आहे क्रेडाई MCHI त्यांनी जे या ठिकाणी त्यांनी ऑर्गनाइज केली आणि याच्यामध्ये त्यांनी मला त्यांनी बोलवलं, माझा सम्मान केला, त्याच्याबद्दल मी क्रेडाईचे MCHI जे पदाधिकारी आहेत लखानी साहेब आणि त्याची जी टीम आहे सर्वांचे मी आभार मानतो, माझ्यातर्फे आणि माझ्या पोलीस आयुक्तालयातर्फे आणि आपले माननीय सन्माननीय पालकमंत्री साहेब चे हस्ते नवी मुंबई पोलिसांचे जे गौरव करण्यात आलेले आहेत। आता नवी मुंबई रत्न जो पुरस्कार आहे ते मी कोरोना काळामध्ये सर्वांना माहिती आहे की फार कठीण काळ होतं आणि त्याच्यामध्ये आपण जो चॅलेंज होतं त्याच्यामध्ये काम करत असताना आमचे काही लोक त्याच्यामध्ये वारले, तर मी त्यांना समर्पित करतो आपला जो पुरस्कार आहे। आणि त्यावेळी नवी मुंबई पोलीस टीम, नवी मुंबईकर, सर्व नवी मुंबईचे लोक आणि बाकी इतर सर्व डिपार्टमेंटचे लोक, म्हणजे आपला जे हेल्थ डिपार्टमेंट हॉस्पिटलचे लोक असतील, डॉक्टर नर्सेस किंवा इतर जे नगरपालिका किंवा सिडको किंवा बाकी सर्व, एकूण सर्वांनी मिळून आपण चांगलं काम केलं आणि हे जे एक कठीण आणि अनप्रेसिडेंटेड एक प्रसंग आपल्याकडे आला होता त्याचे आपण व्यवस्थित हाताळलं, त्याच्यामध्ये जे पण सक्सेस आहे तर क्रेडिट गोज टू एव्हरीबडी, आपल्या सर्व अधिकारी कर्मचारी आपल्या नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे, तर हे सर्वांचे एक जे या ठिकाणी
एक गौरव करण्यात आलेला आहे, त्याच्यामुळे थोडा आमचा हौसला आणखी चांगला वाढलेला आहे आणि आम्ही पुढे कुठलाही प्रसंग आला कुठलाही आपली जेव्हा पुरी आपले गरज समाजाला जेव्हा पडतो तेव्हा आम्ही आणखी जोमाने काम करणार आहेत आणि असं चांगलं काम नवी मुंबई पोलीस करणार आहेत। बताना जरूरी है कि यहाँ कुछ ऐसे पुलिस और महानगरपालिका अधिकारियों को भी कोरोना योद्धा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जो कोरोना काल के बाद मुंबई पनवेल में पदस्थापित हुए हैं। इस पर कुछ सवाल भी उठाए गए। हालांकि क्रेडाई एमसीएचआई के अध्यक्ष विजय लखानी और दूसरे पदाधिकारियों ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, पुरस्कारों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जिन योद्धाओं ने पूरे कोरोना काल के अंदर दिन रात एक करके काम किया, अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने खाने पीने की फिक्र तक नहीं की, और मेडिकल और पैरामेडिकल के लोग तीन तीन दिन तक कंटिन्यूस काम करते थे क्योंकि उनको रिलीव करने के लिए कोई आता नहीं था, सब लोग डरते थे। ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया तो उनका पुरस्कार भी उतनी बड़ी हस्ती के हाथों से होना बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो शायद उनकी मेहनत जो थी वो अधूरी रह जाती थी। 56 लोगों को आज पुरस्कार दिया गया, उन्होंने जो मेहनत की आज उनको ज़रूर महसूस होगा कि गवर्नमेंट ने उनको अप्रिशिएट किया है। मैं कोरोना में जिन ऑफिसर लोगों ने या काम करने वाले लोगों ने जो मेहनत की है, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि उनको मैं थैंक यू बोल सकूं। उसके लिए ये सब कुछ आयोजन किया गया कि इतना बड़ा प्रोग्राम करके उनको सम्मानित किया जाए। क्रेडाई एमसीएचआई नवी मुंबई रत्न अवार्ड को कंटिन्यू रखेगी। इस वक्त कोरोना के फील्ड के लोगों के लिए किया गया और इसके सिवा बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में रहकर जनता की सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, पूरे महाराष्ट्र में स्प्रेड आउट हैं, वो सेवा करते हैं। हम उन लोगों को सबको आपके सामने लाते हैं जिनकी सर्विसेज लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे जो लोगों को भी हमने सम्मानित किया है, लगभग 40 लोगों को, मुझे नहीं लगता हमने 40 को किया है, लगभग 400 लोगों को किया है, क्योंकि एक आदमी एक को हम पुरस्कारित करते हैं तो उसके कारण कम से कम 10 लोग प्रभावित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी को हम रिकॉग्नाइजेशन देते हैं या पुरस्कार देते हैं, सम्मान करते हैं, तो काफ़ी लोग को प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ये आशा है कि सब लोग बहुत खुश होंगे, उनके परिवार वाले भी काफ़ी खुश हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूथ कोई एज नहीं होता, यूथ एक सोच होती है, एक जोश होता है, एक जुनून होता है, जो मुझे लगता है जो जो सामाजिक कार्य बोलो, काम बोलो, जो भी लोग करते हैं वो सब यूथ कहलाते हैं। आम्ही एकदा असंच सगळे बिल्डर्स डेव्हलपर्स मित्र बसलो होतो क्रेडा एमसीएचआयच्या मीटिंगमध्ये, त्यावेळेला असं आम्ही ठरवलं की यावर्षीपासून आपण एक नवी मुंबई रत्न अवॉर्ड आपण चालू करूयात, जे की प्रत्येक क्षेत्रात ज्या ज्या वर्षी काय असेल थीम त्याप्रमाणे आपण त्यांना अवॉर्ड देऊन त्यांना प्रमोट करू, तर समाजामध्ये एक चळवळ तयार होईल, प्रत्येक जण मग ते अशा अवॉर्ड सेरेमनी होतात तर आपल्याला पण मिळायला पाहिजे, ह्या धडपडीने चांगलं सामाजिक शैक्षणिक आणि बाकीच्या गोष्टीत कामं करेल ह्या उद्देशातून आम्ही हा नवरत्न आपला नवी मुंबई रत्न अवॉर्ड चालू केला। आणि त्यानंतर मग आता इमिजिएट झालेला कोविड, ह्या कोविडमुळं सर्व आता आपण बघतो अफेक्टेड सगळे झालोत, तर त्यांच्यासाठी मग कोविड धर्तीवरती आपण कोविडमध्ये ज्यांनी काम केलं आहे त्या लोकांना सर्व क्षेत्रातील लोक जसे की पोलीस आले, म्युन्सिपॅलिटीवाले आले, आले त्यांचं सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे ट्रस्ट आले, प्रेस आले, प्रेसच्या लोकांनी भरपूर काम केलं, अशा सर्वांसाठी म्हणून आपण हे अवॉर्ड सेरेमनी या ठिकाणी ठेवलं। हे पुरस्कार तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट जी ने बोला ये 40 को दिया, बट ये 400 भी कम पड़ते हैं। तो ये पुरस्कार देने का सबसे पहले मेन उद्देश्य यही था कि जिन्होंने कोविड के टाइम पे काम किया उनकी उनमें मोटिवेशन जगाना, और साथ ही साथ जिन्होंने जो नहीं दे पाए उस वक्त में या डर रहे थे वैसे लोगों में भी एक मोटिवेशन जगाना कि वो भी आगे आके कोरोना या आगे जाके कुछ भी मदद चाहिए हमारे इंसानियत में, तो इंसानियत बढ़ाने के लिए हमने ये एक ऐसा अवार्ड शो किया है। देखो कैसा है, हम सौभाग्यशाली हैं कि ये शाम को हम सब साथ में मिलके हमने आयोजन किया है। मेरा अकेला का कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, आप लोग सब भी इन्वॉल्व है, पूरी यूथ टीम इन्वॉल्व है, तो एक जन का काम नहीं है, आप लोग के सहयोग से ये होता ही नहीं। सो वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल द प्रेस एंड मीडिया पीपल फॉर सपोर्टिंग अस। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।